Sanjay Padhana, Jesse Evers Chadana. Akele Jungi Ladana, I can't take it. Ab Vedantu Dega, problem se chutkara. Take it! Samaj aayega to masa aayega. Masa aayega to samaj aayega. Best teachers ke guidance mein, padhna easier hoga. Exam your whole life, ab se har student winner hoga. Samaj aayega to masa aayega. Vedantu, learn live online. To attend a free live class, download the app now. Hey guys, this is the shortest, sweetest and ekdum amazing video which I've made right now on this channel called VBiotonic, which is your gateway to success in an exam like AIIMS and NEET. Yes, your rose ka dose which you cannot be forgetting at all. In this very short and sweet video, I'm just going to be talking about the three type of questions in examination or kaise in questions ko aap तीनों टाइप को यू नो एग्जाम में कर सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हो. 720 में से हमें 720 चाहिए. ये ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगे वो करने में. सो द मोमेंट एनी क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, कोई भी एग्जाम है, मॉक टेस्ट पेपर आप घर पे ले रहे हो, कोचिंग में ले रहे हो, हमारे संडे टेस्ट ले रहे हो, आप हमारे पेड यूजर हो, हम आपको संडे को टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी टेस्ट आप कर रहे हो, आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई तो की होगी. यू सिटिंग एट होम एंड यू स्टडिंग अ लिटिल बिट, एटलीस्ट ऐसा हम मान लेते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो और हमारा बेवकूफ नहीं बना रहे हो. यस एवरीबॉडी, तो द मोमेंट यू गेट अ क्वेश्चन लाइक यस टिक, सो ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपने पिछली रात, हफ्ता पहले, चार दिन पहले, दो दिन पहले, तीन दिन पहले मैम को क्लास में बोलते हुए सुना है. आपको ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, ये वो कॉन्सेप्ट है विच यू आर एब्सोल्यूटली लाइक यू नो देम, एंड द मोमेंट दिस क्वेश्चन यू आर लाइक द सीक्रेट, यस पंपिंग ऑफ द फिस्ट एज दे कॉल इट. कूल, ये क्वेश्चंस जितने आपके एग्जाम में ज्यादा होते रहेंगे उतने आपके मार्क्स आ जाएंगे. दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये वो क्वेश्चंस है जो आपने बहुत बार किया बिकॉज यू पेड अटेंशन इन द क्लास. ये वो क्वेश्चंस है आपको आते हैं बिकॉज यू सॉल्व ऑल मॉक टेस्ट पेपर्स. ये वो क्वेश्चंस आपको आते हैं बिकॉज यू मेड नोट्स और ये नोट्स में हाईलाइट किए हुए. यू नो दीज क्वेश्चंस. हाउ टू मेक देम मोर इज बाय कंटिन्यूस रिविजन. एक आ गया सेकेंड टाइप का क्वेश्चन. ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इसके बिल्कुल एक्सट्रीम है. ये एग्जाम में देखते हैं आपने कहा ऐसी आवाजें आएंगी, अजीब अजीब तरह के यू नो एक्सप्रेशंस बनेंगे आपके मुंह पे, अजीब अजीब तरह की पेट से आवाजें निकलेंगी. ये वो क्वेश्चन है जिसने रात को सूरज दिखा दिया आपको, दिन में चांद दिखा दिया, तारे दिखा दिए. दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू एब्सोल्यूटली आर कॉट अनअवेयर, यू हैव नेवर सीन, नेवर हर्ड. Forget reading, answering, ये आपने सुना ही नहीं है. These are the type of questions which is like solving some, you know, what is the landing of Chandrayaan, Mangalayaan on the moon type of a question in biology. Right? You absolutely have no idea what is hard landing define, किस कौन सी acceleration of gravity, G, capital, ये वो. ये ऐसे question है जो आपको बिल्कुल मतलब झंझोर के रख देंगे. यू एब्सोल्यूटली हैव नो आइडिया फ्रॉम वेयर डिड दिस क्वेश्चन कम. दिस क्वेश्चन के उन लोगों में क्वेश्चन ज्यादा होंगे जिन लोगों ने एग्जाम में पढ़ाई नहीं की है. दे हैव नॉट स्टडीड, दे हैव नॉट मेड नोट्स, दे हैव नॉट टेकन क्लासेस सीरियसली, दे हैव नॉट अटेंडेड ऑल आवर सेशंस, बीट द पेड क्लासेस, बीट द यूट्यूब क्लासेस, बट दे हैव जस्ट नॉट बॉदर्ड अबाउट बायोलॉजी. उनके लिए ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे. ये क्वेश्चंस पढ़ाकू बच्चों में कम होते हैं. जो फर्स्ट वाली बात कर रहे थे हम, जो आपको सब आता है वो पढ़ाकू बच्चों में ज्यादा होते हैं. बट फिर भी एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जो ये डिसाइड करेगा भले ही आपकी रैंक आ रही है या रैंक नहीं आ रही है. वो मिडल क्वेश्चन है. यू रेड द क्वेश्चन, यू लाइक यस ये मैंने किया, आई हैव डन इट, कल रात को ही तो किया था. बट द मोमेंट यू रीड द ऑप्शन यू लाइक यार ए है या बी है, एंड यू लाइक नो आई थिंक इट इज सी. And the moment you're trying to round one, no, it is A. So do you get confused? How many of you are saying yes? Raise your hands now. I know there'll be thousands of you saying yes. So raise your hand karo, like karo, kyunki aapko pata hai. Yaar, and you're like, yaar, ye kal to kiya, and you're scratching your head and you're looking here and there and you're desperate because you've done it. Number one, wo question tha, aapne kiya hai, aapko ekdam aata hai. Number three, wo question tha, yaar. समझ ही नहीं आ रहा है. और बी वाला वो क्वेश्चन है यार आई नो इट बट यू आर कंफ्यूज बिटवीन द टू ऑप्शंस. अगर आप मेरी रेगुलर क्लासेस देखते हैं, आई ऑलवेज टॉक अबाउट कन्वर्टिंग दिस. तो बच्चों उसी बच्चे की रैंक आएगी जिसने ये जो मिडल वाले क्वेश्चंस है ना, जो आप कंफ्यूज हो, जिसमें आप दो ऑप्शंस के बीच में एकदम चकनाचूर हो, इस ऑप्शन को अगर आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू द वन वे यू नो द आंसर, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट अ रैंक. बट हाउ डू यू कन्वर्ट इट वेर यू आर कंफ्यूज, वेर यू आर torn apart between two options where you don't know which is the right option. How?
Will you convert this confusion into 100% surety is what will define whether you will going whether you are going to get a rank or not. And for that, you have to see one more video. Bye bye. Don't forget to see the next video and click the like, share, subscribe button now. Bye.